चलिए इधर जो है आप लोग गौर से देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 का विज्ञान विषय अध्याय 12 अम्ल क्षार और लवण। इसमें हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए थे अम्ल की पहचान हम कैसे करेंगे, क्षार की पहचान कैसे करेंगे, लवण का पहचान कैसे करेंगे, और विभिन्न तरह के हम लोगों ने लिटमस पत्र भी बनाए थे, प्राकृतिक लिटमस पत्र भी बनाए थे। हम लोग अभ्यास में देख रहे थे तो अभ्यास में एक प्रश्न आया है, हल्दी पत्र पर हरिया पाउडर घोल डालने से इसका रंग हो जाता है। तो ये देखिए, हमने आपका हल्दी पत्र बनाए हैं, जो हल्दी आप लोग घर में अपने खाना में यूज करते हैं, है ना। अरे आप लोगों को पिछले कक्षा में भी पढ़ाया गया था, क्लास 5 में भी पढ़ाया गया था कि हल्दी जो है रंग बदलता, और हल्दी का कई सारे गुण भी आप लोग को बताया गया था कि हल्दी जो है हम तो खाने में यूज करते ही हैं, सब्जी में, दाल में, है ना, लेकिन साथ साथ उसका आयुर्वेदिक गुण भी है, हल्दी एक दवा भी है, कई कीटाणु को मारता है, है ना, हल्दी एंटीबायोटिक है, एक दवा के रूप में काम करता है, उसके बारे में भी आपको 5 क्लास में बताया गया। साथ साथ हल्दी जो है आपका पूजा पाठ में भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, आप लोग अपने घर पे पूजा भी करते होंगे हल्दी से, वही हल्दी का पेस्ट है ये आपका कागज पर हम बनाए हैं। अब हमारे सहयोग में का बच्चा कोई आइए, चाहे लड़कियां आइए, और ये हल्दी पत्र है, ये क्या है, हल्दी पत्र है, ये हल्दी पत्र को यहां रखिए। अब क्या कहता है कि इसमें आप जो है हरिया पाउडर, हरिया पाउडर जो चूना, चूना आप जो घर को पोतते हैं, जो पोतने में काम करता है, उसमें उसका घोल को डालने पर क्या होता है। तो देखिए, हम थोड़ा सा पानी ले रहे हैं आपको परख नली में, और इस पानी में धरो, इसमें हम थोड़ा सा डाल रहे हैं, ये आपका क्या है, यही आपका हरिया पाउडर है ना। इस हरिया पाउडर को हम थोड़ा सा परख नली में लेके इसको अब हम एक घोल तैयार, क्या कर रहे हैं, घोल तैयार, घोल तैयार हो गया। अब इस घोल को इस हम हरिया पाउडर पे डालते हैं। अब इसका देखना है कि हरिया पाउडर का घोल डालने पर इसका क्या होता है। हाँ, तो देखिए अब क्या होता है, धरिए इसको, ऐसे धरिए। अब देखिए इसको हम डाल रहे हैं, इस पानी को, किसका पानी को डाल रहे हैं, खरिया, है ना, है ना। ये डाल दिए खरिया पाउडर का ना, yes, sir. क्या हुआ, रंग बदला, yes, sir. रंग बदल गया ना, yes, sir. वो क्या था, पहले पीला था, और जब हमें चूने का पानी, खरिया पाउडर का पानी इस पे डालते हैं तो क्या हो जाता है, इसका कलर बदल के क्या हो जाता है, लाल। तो आपको जो ये प्रश्न था, इसमें क्या भरेगा, खाली जगह में ही ना भरा जाएगा, है ना, कि रंग परिवर्तन होता है, तो रंग परिवर्तन हुआ ना, और रंग परिवर्तन हुआ तो कैसा हो गया, पीला से कैसा है रंग, लाल है, है ना। तो इसलिए एक क्या था, चूना एक तरह से एक क्षार है, क्या है, आपने इस क्रियाकलाप से आपने यह भी पहचान कर लिए कि चूना जो है क्षारीय पदार्थ है ना, और जब ने हम उसे हल्दी पत्र पर डालते हैं तो उसका रंग बदल के क्या हो गया, लाल हो गया, है ना। तो इस ढंग से हम लोग क्रियाकलाप के माध्यम से यह समझे, अपने घर पे प्राकृतिक लिटमस पत्र तैयार कर सकते हैं, और आप जो है सभी पदार्थों को आप पहचान कर सकते हैं कि कौन क्षारीय है,
कौन? अम्लीय है। इसलिए सभी पदार्थ को तो आप खाकर चक्कर तो नहीं ना पहचान सकते हैं, कुछ जहरीला भी हो सकता है ना, मिट्टी की भी समझ। इस तरह से आज हमने क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का कोशिश किए कि जो हरिया पाउडर जो है क्षार है, और हल्दी के पत्र पर डालने पर क्या हो गया वो लाल। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रित शिक्षा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।